क्या है जैन धर्म, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या नियम है जैन धर्म के, ऐसे कई सवाल विश्व के अनेक लोगों के मन में उठ रहे हैं। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि जैन धर्म महावीर स्वामी के बाद शुरू हुआ। जी नहीं दोस्तों, एक विचार कीजिए, जैन धर्म का प्रमाण क्या? व्यक्ति जैन जन्म से बनता है या कर्म से? ऐसे देखा जाए तो विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में अगर एक व्यक्ति यह सोचता है कि उसके कारण किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो जैन नहीं? जरूर है। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, महाविद्य क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र, अमेरिका हो या जापान, रशिया हो या इंग्लैंड, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति अगर ये सोच रखे कि मन से, वचन से यानी शब्दों से, बोलने से या काया से यानी शरीर से मैं किसी को भी दुख ना दूं, तो क्या वो जैन नहीं? जरूर है। जो प्याज आलू जैसे कंदमूल नहीं खाते, क्या सिर्फ वही जैन है? क्या जैन धर्म सिर्फ यहां तक ही सीमित है? जो रात को खाना नहीं खाते, क्या सिर्फ वो ही जैन है? क्या जैन धर्म सिर्फ इस विषय तक ही सीमित है? कंदमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना जैन धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है। वास्तव में तो जैन धर्म बहुत कुछ है। पूरा जन्म भी जैन शास्त्रों की पढ़ाई में लगा दे तो भी शायद कम पड़ जाए, इतना विशाल है जैन धर्म। विज्ञान जो आज बता रहा है, जैन धर्म हजारों लाखों करोड़ों साल पहले बता चुका है, यानी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है जैन धर्म। चलिए अब मान लेते हैं जैन धर्म अच्छा है, तो फिर इसके प्रवर्तक यानी इसकी शुरुआत करने वाले कौन? क्या महावीर स्वामी के बाद शुरू हुआ जैन धर्म? तो क्या महावीर स्वामी के पहले जो 23 तीर्थंकर बने वो कौन थे? इस काल को जिसे जैन धर्म में अवसर्पिणी काल कहा है, इस काल में भी 24 तीर्थंकर है, पिछले काल में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं और आने वाले काल में भी 24 होंगे। अनादि काल से यह क्रम चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलते रहने वाला है। तो क्या अब भी आप कहेंगे कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म शुरू हुआ है? अब सवाल ये कि जैन धर्म में तीर्थंकर कौन है, भगवान कौन है, और अगर भगवान के हाथों में सब कुछ होता तो इस विश्व में दुख ही नहीं होता, सुख ही सुख होता। इसलिए जैन धर्म व्यक्ति प्रधान धर्म नहीं बल्कि कर्म प्रधान धर्म है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन यदि कर्म ही सब कुछ है तो फिर तीर्थंकर भी सामान्य आत्मा हुए, उन्हें हम भगवान क्यों कहते हैं? सोचने वाली बात है ना? दोस्तों, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बताए वो जैन धर्म, अपने कर्मों को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करवाए वो जैन धर्म। ये सब बातें सुनकर आपको काफी कंफ्यूजन हो गया होगा कि अब सब कुछ समझ तो आ रहा है लेकिन गाड़ी वही पर आकर अटक गई कि आखिर जैन धर्म क्या है। अब कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जन्म से जैन धर्म नहीं मिला लेकिन जैन धर्म जानने की बहुत इच्छा रखते हैं। और हमारे जैन धर्म की विशिष्टता यह है कि बिना कन्वर्ट किए या कन्वर्ट हुए भी हर एक व्यक्ति कर्म से जैन बन सकता है। अभी तक जो बातें आपने सुनी उन सभी बातों को विस्तार से समझने के लिए, और वो आत्माएं जिन्हें जैन धर्म में बहुत रुचि है लेकिन अभी तक ऐसा कोई माध्यम नहीं मिला जिससे वो जैन धर्म समझ सके, उन सभी के लिए शुरू हो रहा है जैनिज्म कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आखिर जैन धर्म क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जैन धर्म की परंपराओं के पीछे का साइंटिफिक कारण, जैन धर्म के अनेक रहस्य और ऐसे कई विषय स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से, और सब कुछ आसान और सरल भाषा में। यहाँ ना कोई टीचर होगा ना कोई स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी होगी और उस क्यूरियोसिटी के जवाब। छोटी उम्र का बच्चा हो या बड़ी उम्र वाले चाचा, सबको आसानी से समझ आए ग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सब मिलकर शुरू से यानी जैन धर्म को जानेंगे ABCD से। यह जैनिज्म कोर्स बहुत स्पेशल है क्योंकि 1, 2, 3 या 4 या 5 नहीं बल्कि 9 आचार्य भगवंत इस कोर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और 50 से ज़्यादा आचार्य भगवंतों ने इस कोर्स की अनुमोदना की है। परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरु भगवंतों के निर्देश अनुसार, ज्ञानी आत्माओं की मदद लेकर चैतन्य गुण जैन अकेडमी ने अब शुरू किया है जैनिज्म कोर्स। इतना ही नहीं, आपके सवालों का सही और सटीक जवाब मिलेगा, कई एक्टिविटीज़ होगी, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और इस जैनिज्म कोर्स को चर्चा का विषय बना सकते हैं। इस कोर्स को पढ़ने और एग्जाम देने के लिए विजिट करें www.jainismcourse.org।